हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इट इज टाइम टू और इट्स टाइम टू ची वेड़ा है का समय है. लुक हियर, इफ यू थिंक अबाउट कंस्ट्रक्शन, इट इज टाइम टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश 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 और इट इज मीन्स वॉट इट्स टाइम टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. सी, ही अभ्यास करने की वेड़ा है, ये पढ़ाई करने का समय है. इट इज टाइम टू स्टडी और यू कैन से इट्स टाइम टू स्टडी. यू कैन से ही आनंद घेने की वेड़ा है, ये एंजॉय करने का समय है. यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ कैन यू स्पीक? इट्स टाइम टू एंजॉय और इट इज टाइम टू एंजॉय. एंजॉय मीन्स वॉट? आनंद. जॉय मीन्स आनंद. एंजॉय मीन्स आनंद घेने. इट इज अ वर्ब, सेकंड फॉर्म एंजॉयड, थर्ड फॉर्म एंजॉयड. ओके, यू कैन से नाउन फॉर्म एंजॉयमेंट मीन्स आनंद. अंडरस्टूड? देन ही काम, ही करण्याची किंवा मरण्याची वेळ आहे, ये करणे या मरणे का समय आहे. इट्स टाइम टू डू ऑर डाय. डू ऑर डाय मीन्स करा किंवा मरा. डाय मीन्स वॉट? मरणे. सेकंड फॉर्म डाइड, थर्ड फॉर्म डाइड. इसका नाउन फॉर्म होता है डेथ. डेथ मीन्स मृत्यु और हम बोल सकते हैं डेड. डेड पर्सन, मृत व्यक्ति. डेड मृत और डेथ मृत्यु. अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन आता निघण्याची वेळ झाली आहे, अब निकलने का समय हो चुका है. इट्स टाइम टू लीव नाउ. लीव मीन्स निघणे. डू यू नो लीव? सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट. ओके, देन ही वाच करण्याची वेळ नाही आहे, ये आर्गू करने का समय नहीं है, ये बहस करने का समय नहीं है. इट इज नॉट टाइम टू डिस्प्यूट. ये इट इज नो भी लिख सकते. इट इज नो टाइम टू डिस्प्यूट. डिस्प्यूट मीन्स वॉट? वाद करने. डू यू नो वर्ड? डिस्प्यूट, वाद करने. डिस्प्यूटंट, वाद करना व्यक्ति. किसी भी शब्द को अगर आखिरी में ए एन टी लगता है तो उसका मतलब होता है करने वाला इंसान. जैसे शब्द है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मीन्स स्वीकारने. एक्सेप्टेंट क्या, तो क्या होगा? स्वीकारने वाला व्यक्ति. अंडरस्टूड? कोई भी वर्ड लो, यू कैन टेक सो मेनी वर्ड जस्ट लाइक दिस. व्हेन ए एन टी विल बी सफिक्स टू दैट वर्ड, यू गेट करने वाला व्यक्ति, करने वाला इंसान. अंडरस्टूड? और सेकंड वर्ड आर्गू. आर्गू मीन्स वॉट? वाद करने. सेकंड फॉर्म आर्गू, फर्स्ट फॉर्म आर्गुड, आर्गुड. यू हैव लिसन आर्गूमेंट. आर्गूमेंट नहीं, उसने मेरे से आर्गूमेंट क्या बोलते हैं, उन्हें दो बातें किया आमने सामने, दो बातें आर्गूमेंट किया. ठीक है, और एग्री अलग है. एग्री मीन्स सहमत होने होते. सेकंड फॉर्म एग्रीड, थर्ड फॉर्म एग्रीड. इसका नाउन फॉर्म है एग्रीमेंट, यानी करार, सहमति. ओके, देन ही डांस करने की वेळ आहे. इट इज टाइम टू डांस. ये डांस करने का समय है. अपन बोलते ना, ये डिस्को का समय है, इट्स टाइम टू डिस्को. ये खेलने का समय है, इट्स टाइम टू प्ले. ये रुकने का समय है, इट्स टाइम टू स्टॉप. ये लड़ाई शुरू करने का समय है, इट्स टाइम टू स्टार्ट फाइट. ये आगे बढ़ने का समय है. हा, ही पुढे जाण्याची वेळ आहे. इट्स टाइम टू गो अहेड. ही कुठल्याही कामामध्ये विचार करण्याची वेळ आहे. इट्स टाइम टू थिंक इन एनी काइंड ऑफ वॉक. अंडरस्टूड? आता निर्णय घेण्याची वेळ आहे की पुढे काय करायचं. अब डिसिजन घेण्याचा समय आहे, आगे क्या करणे का. इट्स टाइम टू डिसाइड व्हॉट टू डू नेक्स्ट. डिसाइड मीन्स व्हॉट? निर्णय घेणे. यू नो डिसाइड? डी सी आई डी, निर्णय घेणे. डिसाइडेड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑल्सो डिसाइडेड. इसका नाउन फॉर्म क्या है? डिसीजन. डिसीजन यानी निर्णय. इसके लिए दूसरा वर्ड है डिटरमाइन. डिटरमाइन मीन्स ठरवने. डिटरमाइन, डिटरमाइन, ठरवन देने. इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? डिटरमिनेशन. ओके, देन सर्वांना अलविदा करण्याची वेळ आली आहे. पा, बाय सारोफुल हार्ट वी से सबको अलविदा करने का समय आ चुका है. दोस्तों मैं जा रहा हूँ. तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू एवरी वन. है ना, वी कैन से समटाइम गुड बाय. तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू एवरी वन. हैव यू अंडरस्टूड दिस? देन ही चिंता करने की वेळ नहीं है. ये
चिंता करने का समय नहीं है, इट इज नो टाइम टू वरी। वरी यानी क्या होता, चिंता करना। सेकंड फॉर्म होगा उसका वरीड, और थर्ड फॉर्म होगा वरीड। वरी यानी चिंता करना, हरी म्हणजे काय होते, घाई करणे। सेकंड फॉर्म इज व्हाट, हरीड, और थर्ड फॉर्म इज व्हाट, हरीड। ओके, वरी चिंता, हरी घाई। देन आता झोपण्याची वेळ झाली आहे, अब सोने का समय हो चुका आहे। इट इज टाइम टू गो ऑन बेड नाउ, या यू कॅन से इट इज टाइम टू स्लीप। स्लीप इज व्हाट, झोपणे। इट इज वी वन, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, अँड थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। ओके, देन प्रार्थना करण्याची वेळ झाली आहे, प्रार्थना करणे का समय हो चुका आहे। इट्स टाइम टू प्रे, प्रे मीन्स व्हाट, प्रार्थना करणे। वर्शिप, पूजा करना, इसको अगर आपने प्रेयर किया, प्रेयर यानी प्रार्थना, और वर्शिपर किया तो पूजा करने वाला इंसान, अंडरस्टूड। और अगर इसको डिओटी किया, डिओटी यानी भक्त, डिओटी ऑफ गॉड, भगवान का भक्त। ये शब्द कैसे बना, डिओट से, डिओट मीन्स स्वतःला एखाद्या गोष्टी झोकून देणे, खुद को किसी काम में झोक देना, अंडरस्टूड। सेकंड फॉर्म डिओटेड, थर्ड फॉर्म डिओटेड, और डिओटी यानी भक्त, अंडरस्टूड। हाँ, जो भगवान की पूजा करता है रात दिन, उसको बोलते हैं डिओटी, डिओटी ऑफ गॉड। देन पुन्हा वापस येण्याची वेळ झाली आहे, फिर से वापस आने का समय हो चुका है। इट्स टाइम टू बाउंस बैक, बाउंस बैक यानी कोई काम में फिर से वापसी करना। अगर मैच हारने के तगार पर है, लेकिन कोई प्लेयर ऐसा है जो अच्छा परफॉर्म करके फिर से मैच को वापस ला रहा है, तो उसको बोलते हैं बाउंस बैक, अंडरस्टूड। देन आता इंग्रजी बोलने चाहिए, अब इंग्लिश बोलने का समय है। कैसे बोलेंगे आप, इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आप ऐसे ही बोल सकते हो, आता इंग्रजी बोलण्याची वेळ नाही आहे, अब इंग्लिश बोलने का समय नाही आहे। नाउ इट्स नॉट टाइम टू स्पीक इंग्लिश, इट्स नो टाइम टू स्पीक इंग्लिश। यू कॅन से क्वेश्चन फॉर्म जस्ट लाईक दिस, आता इंग्रजी बोलण्याची वेळ आहे का, इज इट टाइम टू स्पीक इंग्लिश नाउ, इट इज अ क्वेश्चन फॉर्म। देन निगेटिव्ह क्वेश्चन फॉर्म, आता इंग्रजी बोलण्याची वेळ नाही आहे का, अब इंग्लिश बोलने का समय नहीं है क्या, इज इट नॉट टाइम टू स्पीक इंग्लिश नाउ, इजंट इट टाइम टू स्पीक इंग्लिश नाउ। अगर ऐसा बोला, काय करण्याची वेळ आहे, क्या करने का समय है, व्हाट इज टाइम टू डू, व्हाट इज टाइम टू डू। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल, इफ यू वर्क ऑनेस्टली, स्टडीड इट, डेफिनेटली यू विल नो हाउ टू यूज व्हाइल टॉकिंग। प्लीज नोटिफाई इट। Thank you for watching.